Next, guys, in substitution, we have a very special form, and that form is in integration if we have the term of sine and cos with different powers, right? Sine to the power mx into cos to the power nx, right? Then how do we deal with these type of problems? Integrand in which we have term of sine and cos, or only sine or only cos, and the power of sine and cos is mn. When a question in this form comes, how do we deal with such questions, right? So for that, what we do is, first point, if power of sine x is odd, take cos x equals to t. Agar sine ka power odd ho, to cos ko t le loge, right? If power of cos x is odd, take sin x equals to t. If power of both is odd, take any one of them equals to t, preferably one having larger power, okay, or better will be greater power. किसी को भी टी ले सकते हो, लेकिन जिसका पावर बड़ा है उसको लेने से कैलकुलेशन थोड़ा छोटा होगा. इफ पावर ऑफ बोथ इज इवन, नो सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन, वी यूज ट्रांसफॉर्मेशन से वो बनेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, राइट? लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ पावर ऑफ बोथ इज नाइदर इवन नॉर ऑड, दैट इज नेगेटिव और फ्रैक्शन. यानी कि अगर साइन और कॉस में दोनों के पावर्स में ना ही इवन इंटीजर है ना ही ऑड इंटीजर है, दैट मीन्स इनका पावर्स नेगेटिव में हो सकता है या फ्रैक्शन में हो, देन हाउ टू प्रोसीड? देन इस हालात में टेक टैन एक्स और कॉट एक्स इक्वल्स टू टी ले लेना, प्रोवाइडेड सम ऑफ द पावर्स इज नेगेटिव इवन इंटीजर, इज नेगेटिव इवन इंटीजर, राइट? तो अगर इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेंड हो और अगर दोनों में से किसी का भी पावर ऑड इवन नहीं है, तो इन दैट केस द पावर्स ऑफ आइदर कैन बी नेगेटिव और फ्रैक्शन. इन सच केस वी टेक टैन एक्स और कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, प्रोवाइडेड द सम ऑफ द पावर्स इज नेगेटिव इवन इंटीजर, राइट? अब बोलोगे पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाए या ऑड आ जाए, तो उसके लिए कोई रूल नहीं है, वो हम लोग अपने से देखकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो दीज आर द रूल्स नॉर्म्स टू फॉलो टू सॉल्व इंटीग्रेंड ऑफ दिस टाइप, राइट? मैं एक एक क्वेश्चन सपे करके दिखाता हूँ, ठीक है? आई एम डूइंग इट हियर.
लुक हियर, साइन के पावर में 3 कॉस स्क्वायर एक्स. वेरी फर्स्ट पॉइंट, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड. अब देखो जब मैंने पावर ऑफ साइन एक्स ऑड बोला तो कॉस एक्स के पावर के बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं किया. रीजन कि कॉस का पावर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी इवन, इट मे बी ऑड, इट मे नॉट बी देयर, इट मे बी नेगेटिव, व्हाटएवर, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो. अगर साइन का पावर ऑड है, कॉस का पावर कुछ भी हो, तो कॉस एक्स को ही टी लेना. तो लुक हियर, साइन का पावर ऑड है, कॉस का पावर से कोई मतलब नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न विद द पावर ऑफ कॉस, वी टेक साइन एक्स इक्वल्स टू टी. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यहां प्रेजेंट है, पहली बात, ठीक है, सॉरी कॉस एक्स को टी, सॉरी साइन एक्स का पावर ऑड है, कॉस एक्स को टी लेना है. लुकिए लुकते ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यहां प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट भी है, और ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद जो भी इंटीग्रैंड आएगा वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल बन जाएगा, राइट? ठीक है, आप उल्टा ले लोगे तो देखो ऐसा फॉर्म आएगा जो इंटीग्रेबल नहीं होगा. फिर तो साइन एक्स का पावर ऑड है तो कॉस एक्स को टी लिया गया, उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी पुट कर देंगे यहाँ पे. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स. मैंने क्या किया, एक साइन इसमें से निकाल लिया, अलग कर दिया, ठीक है. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है. अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा दो, आप लगाओ तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस डी टी. इस माइनस को हम लोग उस साइड ले जा सकते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी. तो इसकी जगह हम लोग इसकी जगह पे लिख देंगे माइनस डी टी, राइट? माइनस बाहर आ जाएगा और ये एक टर्म हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी के पावर में 4 डी टी. अब खुद से आप देख लो क्या ये इंटीग्रेबल है. यस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी के पावर में 5/5 प्लस सी आ गया. कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो, टी क्यूब कॉमन निकाल लोगे तो टी क्यूब कॉमन आएगा, तो टी स्क्वायर बाई 5 माइनस 1/3 प्लस सी, और लास्ट में टी की जगह पे आप ये वाला वैल्यू कॉस एक्स रख दोगे यहाँ पे, राइट? क्लियर, उसकी जगह आप कॉस एक्स रख दोगे. आई एम पुटिंग इट टी की जगह में कॉस एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 5 माइनस 1/3 प्लस सी, एलसीएम ले लोगे, सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो ये एक क्वेश्चन मैंने इस पे बेस्ड किया, फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप सेम है, थर्ड टाइप भी सेम है, दोनों का ऑर्डर है, किसी को भी ले सकते हो, जिसका पावर बड़ा है उसको ही लोगे, राइट? इसके बाद जब दोनों का पावर इवन हो तो ये सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही नहीं. मेन फिफ्थ पॉइंट है, उस पर मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, नाउ फॉर द फिफ्थ टाइप, राइट? लेट मी टेक इट. ये क्वेश्चन है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं समझूं तो तुम सब देख रहे हो कि अगर इस टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो साइन का पावर क्या आ जाएगा. यहाँ पे देखो, अगर इस टर्म्स को मैं ऊपर ले जाऊं तो साइन एक्स के पावर में माइनस 2 है और कॉस एक्स के पावर में माइनस 4 है, राइट? यू ऑल कैन सी देयर, साइन के पावर में माइनस 2, कॉस के पावर में माइनस 4 है. तो ना ही दोनों का पावर इवन इंटीजर है, पॉजिटिव, ना ही ऑड, तो नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव या फ्रैक्शन, तो नेगेटिव है, तो फिफ्थ पॉइंट काम आएगा. इसमें पावर का सम देखो, एम प्लस एन निकाल के देखो क्या आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है, जो कि नेगेटिव में एक इवन इंटीजर है, ठीक है. तो मैंने क्या लिखाया, जब एम प्लस एन नेगेटिव
नेगेटिव इवन इंटीजर आए तो किसको टी लेंगे, टैन एक्स को टी लोगे या कॉट एक्स को टी लोगे, राइट। तो चलो हम लोग इस जगह पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग टैन एक्स को टी लेंगे, टैन एक्स को टी लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टोटल पावर कितना आ रहा है, सिक्स, तो कॉस के पावर में सिक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, सेक के पावर में सिक्स एक्स डी एक्स, ठीक है, बाय टैन स्क्वायर एक्स। जब आप कॉस टू द पावर सिक्स से डिवाइड करोगे इसको, तो एक कॉस स्क्वायर नीचे बचेगा जो इसको टैन स्क्वायर बना देगा, और ऊपर आ गया सेक टू द पावर सिक्स। अब सेक स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ, अब इसमें से एक सेक स्क्वायर को अलग कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो उसको, हमें सबको टैन में लाना है, राइट। अब क्या करेंगे इसके बाद, इस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन प्लस टैन, टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू आइडेंटिटी, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम लोग पुट कर देंगे, अब इसको पुट कर देते हैं टैन एक्स की जगह टी, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। ये डी टी हो गया और नीचे टी स्क्वायर है, तोड़ दो इसको आप, टी के पावर में फोर प्लस टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग कर दो, सेपरेट द टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई टी स्क्वायर। क्या इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसको आप इंटीग्रेट कर देना, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा टी की जगह टैन एक्स डाल देना, आंसर आ गया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप नंबर फाइव, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप इज गाइस, टैन के पावर में एम और सेक के पावर में एन है, राइट, या टैन की जगह कॉट हो और सेक की जगह कोसेक हो, राइट, एक ही बात है, दोनों एक ही फॉर्म में है, बोथ ऑफ देम इज इन द सेम टाइप, राइट। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एक मैं लेके चलता हूँ, लेट मी टेक दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर वी विल फॉलो फ्यू ऑफ द स्टेप्स, राइट। द स्टेप नंबर वन, इफ पावर ऑफ टैन एक्स, इफ पावर ऑफ टैन एक्स इज, सॉरी, इफ पावर ऑफ sec x इज इवन, sec x इज इवन, अगर sec का पावर आपको इवन दिख रहा है, राइट, तो हम लोग tan x को t लेंगे, टेक tan x इक्वल्स टू t, tan x को t ले लोगे तुम लोग, ठीक है। तो अगर sec का पावर इवन तो tan x को t। नंबर टू, इफ पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन, सी द पावर ऑफ tan x, ठीक है। ए, अगर sec का पावर इवन नहीं है तो इवन पॉजिटिव, जब भी मैं इवन बोल रहा हूँ, इवन और पॉजिटिव याद रखना, तो हम लोग टैन का पावर देखेंगे, ठीक है।
इफ पावर ऑफ टैन एक्स इज ऑड ऑड टेक sec x इक्वल्स टू टी, sec x को t मान लोगे, ठीक है, टेक sec x इक्वल्स टू t, और वो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इफ पावर ऑफ tan x इज इवन, इफ पावर ऑफ tan x इज इवन, राइट, तो आप क्या करोगे, आप रिप्लेस या राइट, ज्यादा बेटर होगा राइट sec स्क्वायर x माइनस वन इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x, जो भी एक tan स्क्वायर x का टर्म होगा उसकी जगह पे आप sec स्क्वायर x माइनस वन लिख दोगे, और देन एंड देन टेक tan x इक्वल्स टू t, उसके बाद tan x को क्या ले लोगे, t ले लोगे, वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सी टाइप, इफ पावर ऑफ tan x, ठीक है, इफ पावर ऑफ tan x इज जीरो, मतलब tan का टर्म ही नहीं है, ठीक है, एंड पावर ऑफ sec x इज ऑड, पावर ऑफ sec x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा जब इंटीजर बोल रहा हूँ वो समझ लेना पॉजिटिव है, मैंने लिखना बोलना भूल गया था, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता, वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही वो बनेगा, बेशक उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा भी दो तो भी, राइट, और ठीक है, तो ये तुम्हारे नॉर्म्स हैं, सेम नॉर्म्स तुम यहाँ भी फॉलो करोगे, बस टैन की जगह में कॉट लिख दोगे, सेक की जगह में कोसेक लिख दोगे, राइट, तो ये तुम्हारा सॉल्व करने का प्रोसेस है। अब इस पे एक दो क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेट मी टेक अ क्वेश्चन, टैन स्क्वायर एक्स सेक के पावर में फोर, ठीक है, ऐसा टर्म आया, आप फॉलो करोगे रूल्स को, पावर ऑफ sec x इवन है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, यस इवन पॉजिटिव, इवन हमेशा पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जब भी मैं बोल रहा हूँ वो पॉजिटिव है, याद रखना, इवन पॉजिटिव इंटीजर, सब इंटीजर है और पॉजिटिव, तो sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या लिखा मैंने, किसको टी लोगे, तो आप tan x को टी ले लो, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, डी टी पुट कर दो, ये टी स्क्वायर हो गया, या पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टैन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो, बिकॉज टैन की जगह तो हम लोग को टी डालना है, sec स्क्वायर एक हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा अलग करके, ठीक है, अब इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो रिप्लेस हो जाएगा डी टी से, इन सबको टैन में लाना है, तो ये तो ऑलरेडी टैन में है, राइट, sec स्क्वायर को टैन में हम लोग लिख सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, अब पुट कर दो tan x की जगह में t, t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt, अब तुम खुद देखो कि जो टर्म्स बचा ये फॉर्मूला में आ रहा है, यस, इसको इंटीग्रेट कर देना, और करने के बाद t की जगह में tan x लिख देना, सिंप्लीफाई ज़रूर कर लिया करो, कॉमन लेना, ये सब यू शुड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग, राइट, तो ये एक टाइप था, नेक्स्ट एक और दिखाता हूँ इस पर, लेट अस कम टू दिस, टैन एक्स का पावर ऑड, मान लो टैन क्यूब एक्स, ठीक है, टैन क्यूब एक्स, और sec का पावर कुछ भी हो, sec का पावर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो sec क्यूब भी ले लेते हैं, चलो
तो देखो sec का पावर इज नॉट इवन, इफ द पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन, सी द पावर ऑफ tan x, सी द पावर ऑफ tan x, इट इज ऑड, राइट? तो अगर tan x का पावर ऑड है तो sec x को t लेते हैं हम लोग, राइट? थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ, यू माइट नॉट बी एबल टू सी बिकॉज ऑफ द शाइन इन द बोर्ड. tan cube x sec cube x, राइट? तो हम लोग sec x को t लेने वाले हैं, ले लो. तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा sec x tan x dx इज dt, ठीक है? तुम dx का वैल्यू भी पुट कर सकते हो सीधा निकाल के, यहाँ से कट जाएगा, वो भी कर सकते हो, या इसमें से कुछ अलग करके ये टर्म निकाल लो. यू कैन डू आइदर ऑफ देम, ठीक है? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. जैसे मैं, चलो इस बार थोड़ा डिफरेंट करके पहले dx का वैल्यू डाल देता हूँ. dx क्या निकलेगा यहाँ से? एक ही बात है, लॉजिकली सोचोगे तो इट इज़ वन एंड सेम. चलो dx का वैल्यू dt में पहले कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, तो जो कटेगा कट जाएगा, sec कट गया ये स्क्वायर बचेगा, एक tan कट गया ये भी स्क्वायर बचेगा. अब sec x को t लिया, मुझे सबको sec में लाना है, तो ये तो ऑलरेडी है, tan स्क्वायर को sec में ला ही सकते हो ना. sec स्क्वायर x माइनस वन इंटू sec स्क्वायर x, देखो बन गया क्वेश्चन. sec स्क्वायर x को लिखेंगे t स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर इंटू dt. याद रखना, जब सब्सटीट्यूशन करते हो तो आपको सबको t में लाना है. कभी ये गलती मत करना कि ये dt में है और ये sec स्क्वायर x है और तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो. जब इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है, द वेरिएबल हेयर इज सेम एज द वेरिएबल इन विथ रिस्पेक्ट टू विच यू आर इंटीग्रेटिंग, राइट? अब देखो सब t में आ गया. अब इसको आप ब्रैकेट खोल सकते हो, t के पार में 4 माइनस टी स्क्वायर dt, अब इंटीग्रेट हो जाएगा ना, तो वो फॉर्म में आ गया. इंटीग्रेट करके t की जगह sec x को डाल दोगे, राइट? देन वी हैव tan, ये तो कई पार्ट से बनेगा. tan का पावर इवन हो, ठीक है? tan का पावर इवन है, मान लो tan के पावर में 4x, sec है ही नहीं, ठीक है? क्या बोला है, इफ द पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन, सी द पावर ऑफ tan x. और यहाँ पे पावर ऑफ tan x इवन है, नथिंग इज मेंशन अबाउट sec. sec का पावर बस इवन नहीं होना चाहिए. तो तुम और भी ले सकते हो, लेना चाहो तो. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसमें मैंने क्या लिखा है, एक tan स्क्वायर x की जगह में sec स्क्वायर x माइनस वन रिप्लेस कर देना है. एक को tan स्क्वायर x रहने दो और एक tan स्क्वायर x को इसमें से अलग कर लो, राइट? और उसकी जगह, या सबकी जगह भी डाल सकते हो, आप सीधा डाल दो, एक ही बात है. चलो सबकी जगह डाल दो, एक साथ डाल दो. आप tan स्क्वायर x की जगह लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस वन का होल स्क्वायर dx. आप तोड़ दो sec के पार में 4x, राइट? ये इससे भी बन जाएगा, जो मैं पहले कर रहा था वो ज्यादा आसान होगा, ठीक है? अब ब्रैकेट खोलो, sec के पावर में 4x dx माइनस 2 sec के पावर में sec स्क्वायर x, सॉरी, और प्लस dx. ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका tan x आता है, इसका x आ जाएगा, लेकिन ये अभी भी बाकी है. इसमें से एक sec स्क्वायर अलग कर दो और एक जो sec स्क्वायर बचा उसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x. ठीक है? अब ये किस फॉर्म में आ गया, ब्रैकेट खोल दो, तो फिर sec स्क्वायर x इंटीग्रेबल है और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x और बाकी जो पहले आ चुका है सॉल्व कर दिया आपने, इसका tan x आ जाएगा, राइट? और ये फर्स्ट टाइप में चला गया, फर्स्ट टाइप मतलब इस वाले टाइप में आ जाएगा आपका, ठीक है? sec का पावर इवन है तो tan को t ले लोगे, उस फॉर्म में आ जाएगा, राइट? ठीक है? या आप चाहो तो यहाँ पे t डालने से अच्छा है, राइट? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, इससे अच्छा तुम यहीं पे इसको t पुट कर दो. यू कैन डू दिस वे ऑल्सो. sec स्क्वायर x माइनस वन का होल स्क्वायर है. अब मैंने क्या बोला था, किसको t लेना है, tan को t ले लो, राइट? तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको एक tan स्क्वायर अलग कर दो और एक tan स्क्वायर जो बचा है उसकी जगह में sec स्क्वायर x माइनस वन रख दो आप, राइट? फिर आप tan x को t ले रहे हो, पुट कर दो tan x को t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt,
बात समझ रहे हो? ठीक है, अब आप पुट कर दो, चलो टैन एक्स को टी लिया तो ये टी स्क्वायर हो गया, राइट। और आप ऐसे भी कर सकते, एक काम करो, वेट, आप इसको टैन रहने दो। देखो बहुत सारे वेज हैं, एक्सक्यूज मी, बहुत सारे वेज हैं। मैं इसको टैन में ही रहने दूंगा। टैन एक्स को टी ले लिया आपने, राइट। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। आप देखो बहुत वेज हैं, मैं जैसे चाहूँ वैसे बना दूँ। टैन के पावर में 4 था तो टी के पावर में 4। डी एक्स का वैल्यू डाल दो यहाँ से, डी एक्स क्या है, डी टी बाई सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इसमें, तो वी कैन सॉल्व लाइक दिस ऑल्सो, हो गया राइट। अब आप ऊपर नीचे लिख सकते हो ऐसे, माइनस 1 प्लस 1। देखो कितना स्कोप है, थॉट्स आ रहे हैं, मैं पहले वाले वे से भी कर लूँगा इसको, राइट। इसको आप अलग कर दो, इसको फैक्टराइज करोगे तो एक कट जाएगा टर्म, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या दोनों इंटीग्रेबल नहीं है? यस। टी क्यूब बाई 3 प्लस टैन इनवर्स टी, राइट। और टी की जगह में लास्ट में टैन एक्स डाल देना, हो गया ख़त्म। तो बहुत सारे वेज हैं बनाने के, जब से मैं पहले कर रहा था इसको मैंने मिटाया, वैसे वो भी बन जाता, इससे बेटर वे से बनता, बट थॉट केम इन टू माई माइंड, आई जस्ट चेंज इट, राइट। तो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल। After the two forms which we did, now we come to solving of integrals with the help of trigonometric substitution, right? Now there are certain problems in integration in which you have to use trigonometric substitution. Till now we were using substitution, like we were assuming a term to be t or t square, like that, right? Now certain question becomes very simple, or in certain question the only way out to solve that integral by substitution is trigonometric substitution, right? Now first of all, what are those trigonometric substitutions, right? So solving integral by trigonometric substitution, these substitution I had already mentioned in differentiation also, but still I'll make you write once more, right? Now whenever you have within root a term like a square minus x square, now in this type of expressions, if you want to get rid of root, मतलब अगर आप root से free होना चाहते हो, तो x को मैं क्या put करूँ कि ये पूरा term root से free हो जाए, right? That is the logic behind the trigonometric substitution. So for such kind of expressions, what trigonometric substitutions we are going to take? It is x is equals to a sine theta, or x equals to a cos theta, right? These are the substitution which you might take in this case, number one. अब ऐसा करने से फायदा क्या है, मैं आपको रफ में दिखा देता हूँ। सपोज करो कि तुम x की जगह a sin theta पुट करते हो, तो what is going to happen? A square minus x square, x square की जगह आपने a square, x की जगह a sin theta रखा, तो ये a square sin square theta हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लोगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगा ये, एंड वी ऑल नो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। ऑल्सो वी नो दैट इफ रूट के अंदर में अगर स्क्वायर हो तो इट इज मॉड, राइट। तो ए कॉस थीटा का ये क्या हो गया, मॉड्यूलस हो गया, यानी कि आपका जो भी रिजल्ट आया इसमें कहीं भी रूट नहीं है। तो ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी अकाउंट पे है कि आप एक टर्म, आप जो भी एक्सप्रेशन है उसको रूट से फ्री कर दे रहे हो, राइट। देयरफॉर दीज सब्स्टिट्यूशंस
हेल्प्स यू राइट. नेक्स्ट रूट के अंदर में इफ यू हैव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू हेल्प. एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉट थीटा. रीजन बीइंग द सेम रूट से फ्री हो जाओगे. राइट अगर ऐसा हो तो ये सब्स्टिट्यूशन पुट करना है. रूट के अंदर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का फॉर्म हो तो वी पुट x इक्वल्स टू a कॉस मे बी टू थीटा मे बी थीटा. राइट यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो टू थीटा भी ले सकते हो योर चॉइस लेकिन बस a कॉस होना चाहिए एंगल जो भी लो. तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया थीटा x इक्वल्स टू a कॉस थीटा क्योंकि इसको जब पुट करोगे तो ये फार्मूला के फॉर्म में आ जाएगा वो टैन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है थीटा बाई टू का. रूट के अंदर अगर इट इज x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए तो x की जगह हम पुट करेंगे a sec थीटा. रूट के अंदर राइट इफ यू हैव a माइनस एक्स और नीचे x माइनस बी ध्यान देना x का साइन डिफरेंट है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे हैव ऑपोजिट साइंस. ये डिवीजन में भी हो सकता है ये इनटू में भी हो सकता है a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी. ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो इसमें हम लोग पुट करते हैं x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा. राइट वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सेम हो a माइनस एक्स नीचे कोएफिशिएंट x का सेम साइन का हो लेकिन a और b हो. यहाँ पे दोनों a है जब a हो एक तरफ b हो ये डिवीजन में भी हो सकता है ये इनटू में भी हो सकता है. राइट इट कैन बी इन इनटू. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल पुट x इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा माइनस बी टैन स्क्वायर थीटा. एक्स इक्वल्स टू ए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस बी टैन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो आपका रिजल्ट रूट से फ्री हो जाएगा. राइट तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन प्राइमरली मतलब बेसिक है ये इतना आपको याद रखना है. राइट नाउ अब क्वेश्चन में कैसे यूज करना है इसको तो लेट अस सॉल्व वन ऑफ माय क्वेश्चंस. जैसे सपोज करो वी हैव अ क्वेश्चन x बाय 1 माइनस x टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 बाय 2 ठीक है dx. बहुत लोग इस क्वेश्चन को 1 माइनस x स्क्वायर को t लेके भी बना सकते हैं टाइम लेगा दो सब्स्टिट्यूशन लगेगा लेकिन अगर एक ही सब्स्टिट्यूशन में मुझे इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना है तो वो क्या होगा मैं एक्स स्क्वायर को लूंगा साइन थीटा. देखो एक्स स्क्वायर को साइन थीटा क्यों यहाँ भी तो रूट है देखो स्क्वायर रूट है यहाँ पे. राइट तो मैंने क्यों लिया क्योंकि रूट के अंदर में वन माइनस एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है यही है ना. अगर मैं एक्स स्क्वायर को साइन थीटा यहाँ रख दूँ तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि मॉड कॉस थीटा आ जाएगा. राइट क्लियर. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे लूंगा एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिया साइन थीटा ठीक है. एडवांस में जाओगे जेई मेंस में जाओगे तो एक्स का कंडीशन दिया रहता है तो आप मॉड हटा सकते हो अदरवाइज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. एक्स स्क्वायर को मैंने साइन थीटा लिया डिफ्रेंशिएट करो ठीक है. टू को नीचे ले आओ तो x dx की जगह आप लिख सकते हो ठीक है. चलो ये पुट करते हैं यहाँ पे तो पुट करोगे तो x dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं
हाफ कॉस थीटा डी थीटा बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, राइट। अब तुम देखो सिंप्लीफाई करो, हाफ कॉस थीटा डी थीटा और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के पावर में 3/2, ये 2/2 कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, एक कॉस कट गया स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। वी ऑल नो सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, आई एम कैरिंग इट हेयर, सेक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है टैन थीटा प्लस सी, ठीक है। अब टैन थीटा, अब आंसर आप छोड़ दोगे यहाँ पे तो यू वोंट बी गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर, यू हैव टू राइट द आंसर इन एक्स ओनली। तो टैन थीटा को एक्स में लाना है तो कैसे लाएंगे, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज एक्स स्क्वायर, साइन थीटा इज एक्स स्क्वायर बाई वन, एक ट्राइंगल बना सकते हो साइन थीटा के लिए, दिस इज 90, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया मेरा 1 - x^4, तो यहाँ से ट्राइंगल से टैन थीटा निकाल लोगे तो टैन थीटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 - x^4 प्लस सी, राइट। ये आपका फाइनल आंसर है इसका, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व हुआ और बहुत आराम से सॉल्व हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 2 कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 + x / 1 - x, राइट, बोलेगा सॉल्व। अब देखो ये स्कूल लेवल है, कंपटीशन लेवल, जब ये क्वेश्चन होगा तो आपको x का रेंज दे दिया जाएगा, राइट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक मेरे सब्स्टिट्यूशन को पीछे देखोगे तो x को cos थीटा पुट कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो dx क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, पुट करते हैं cos 2 cot इनवर्स रूट ओवर 1 - cos θ / 1 + cos θ, dx की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा पुट कर दिया आपने, ठीक है, cos थीटा माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, cos of 2 cot इनवर्स, अब इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा बाई 2, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा फाइनली tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। cot इनवर्स mod tan थीटा बाई 2, रूट के अंदर स्क्वायर हो ऑलवेज mod, अब मॉड हटाने के लिए आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा एक्स पे, राइट, क्लियर, एक्स पे कंडीशन दिया रहेगा और वो कंडीशन होगा, जैसे सपोज कर लो मैं दे दूं कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, राइट, एक्स 0 से 1 के बीच में है, तो अगर x 0 से 1 के बीच में है, राइट, तो मैं cos थीटा, थीटा का वैल्यू किसके बीच में होगा, 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो थीटा बाई 2 का रेंज आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मॉड हटाएंगे, राइट। अब चूंकि ये स्कूल लेवल क्वेश्चन है तो उस पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में स्कूल लेवल में एक्स का रेंज दिया हुआ नहीं है आपका, राइट, तो रेंज ऑफ एक्स इज नॉट गिवन टू यू, सो डू नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट,
अब ये आ गया कॉस टू कॉट इनवर्स टैन थीटा बाई टू, ठीक है, साइन थीटा। देखो इनवर्स का भी यूज हो रहा है इसमें, कॉस टू कॉट इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं, वी ऑल नो 90 माइनस टैन इनवर्स, टैन थीटा बाई टू, राइट, लिख सकते हैं। अब मैंने बोला कि एक्स पे इस पे स्कूल लेवल है, कंडीशन नहीं दिया है, मतलब एज्यूम कर लेंगे कि ये टैन इनवर्स के रेंज को ही बिलोंग करता है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई टू, पाई हो गया, माइनस टू टैन वर्स थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन लेवल में आपको मॉड हटाने पे भी कंडीशन देखना पड़ेगा कि थीटा बाई टू किस क्वाड्रेंट में है, देन ओनली यू कैन अप्लाई, यू कैन रिमूव द मॉड्यूलस साइन, और उसके बाद टैन इनवर्स टैन थीटा बाई टू को मैंने थीटा बाई टू सीधा लिख दिया, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि थीटा बाई टू टैन इनवर्स के रेंज में है या नहीं। स्कूल लेवल है, सब रेंज में ही होता है, इसलिए मैंने उस फैक्ट को इग्नोर किया, माइंड इट, ठीक है। तो ये क्या आया फाइनली, कॉस टू टू कट गया पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से, माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस हो गया, साइन थीटा हो गया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन तुम लोग को आता है माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो बाई 4 हो गया, प्लस सी। सवाल है, आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि आपको x में चाहिए, ठीक है। तो मैं आंसर को क्या कैसे लिखूंगा, इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, हम लोग का आंसर आया माइनस 1 बाई 4 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी। अब कॉस थीटा एक्स है, वहाँ पे वैल्यू डाल दो, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करता हुआ ये क्वेश्चंस हमने आपको दिखाया। वन मोर क्वेश्चन आई विल सॉल्व। This is a very important question. Right? अब इस question को मैं कैसे solve करूँगा? तो सबसे पहले what I'm going to do is, अब ये peculiar questions हैं ये सब, right? आप इसमें से x common ले लो तो बाहर आएगा root x, और root के अंदर क्या बचेगा, ये 1 हो गया और ये x हो गया, तो x को लिख सकते हो root x का square, right? अब ये क्वेश्चन कोई और सॉल्व करेगा बाय द वे, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इस केस में तुम एक सबसे पहले तुम अगर सोचोगे तो व्हाट कैन यू थिंक ऑफ, तुम सोचोगे रूट एक्स को हम साइन थीटा ले लें, यू नो ट्रॉन्ग ले सकते हो, लेकिन सबसे छोटे में अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाना है तो क्या करना होगा, वॉट शुड वी डू, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग। तो आपका जो दिमाग चल रहा है, पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ, तुम बोलोगे सर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप साइन थीटा लेते थे, ले लो, तो रूट एक्स को आप क्या ले लोगे, रूट एक्स को आप ले लोगे साइन थीटा, राइट। तो एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, डी एक्स क्या आएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया, चलो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, तो डी एक्स आ गया टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट, वन प्लस रूट एक्स मतलब वन प्लस साइन थीटा आ गया, राइट, और रूट एक्स है साइन थीटा, और रूट के अंदर आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आया फाइनली,
बाई वन प्लस साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा बाहर। देखो ये स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए मैं मॉड वॉड नहीं दिखा रहा हूँ। टिपिकल क्वेश्चन भी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको बाद में, बट लेट मी फिनिश ऑफ द बेसिक पार्ट फर्स्ट। तो डी थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, राइट? इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब एक बार तो सब्सटीट्यूशन लग गया, मैं ऊपर नीचे वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो न्यूमरेटर क्या आ गया, वन माइनस साइन थीटा आ गया डी थीटा, और नीचे क्या आया, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब इसके बाद आप इसको अलग अलग करो, बन जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज वॉट, सेक स्क्वायर थीटा, एंड साइन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज टैन थीटा सेक थीटा। आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों फॉर्म फॉर्मूला के फॉर्म में है, सीधा इंटीग्रेट होगा। तो चलो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन इज टैन थीटा, और सेक थीटा टैन थीटा का सेक थीटा। अब आपको इसको साइन बाई कॉस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा आया, क्यों? क्योंकि हमें आंसर को एक्स में लाना है। अब एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं, साइन थीटा की जगह क्या डाल सकते हैं, रूट एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन, और कॉस थीटा को रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वन माइनस एक्स प्लस सी आंसर आ गया, ठीक है? तो दिस इज हाउ डू वी सॉल्व बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? एक क्वेश्चन और देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, राइट? नॉर्मली बनाओगे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, राइट? लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन, तो क्या आया डी एक्स बाई, ये आया इतने पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, प्लस वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, एक्स प्लस वन को मैं ले लूँगा टैन थीटा, ताकि फॉर्मूला में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ऊपर आ गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट? नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया का स्क्वायर करोगे तो sec के पावर में फोर थीटा, कट गया स्क्वायर। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, और तुम लोग सब जानते हो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग डबल एंगल से लिख सकते हैं वन प्लस cos टू थीटा बाई टू, लिख दिया और फॉर्मूला लगा दोगे, राइट? अब इंटीग्रेशन कर दोगे, आंसर आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ वन का इंटीग्रेशन थीटा cos टू थीटा का sin टू थीटा बाई टू प्लस सी, और उसको x में एक्सप्रेस कर देंगे। x क्या है या थीटा क्या है, तो यहाँ से दिख रहा है मुझे थीटा लिख सकते हैं हम लोग टैन इनवर्स एक्स प्लस वन, तो लिख दो थीटा की जगह टैन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस, अब साइन टू थीटा को टैन में एक्सप्रेस करना आपको आता होगा, इसका फॉर्मूला है। साइन टू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टैन थीटा बाई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, राइट? तो पुट कर देंगे वैल्यूज, साइन टू थीटा की जगह टू टैन थीटा, टैन थीटा क्या है, टैन थीटा एक्स प्लस वन है, तो ये आ जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस सी, टू टू कट गया, आंसर आ गया, राइट? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट?
नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसके बाद मेन टॉपिक आता है रैशनल इरैशनल्स, जिसका फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवा दिया है पीछे के थ्योरी में स्टार्टिंग में, राइट। रैशनल इरैशनल्स में मैं आपको रिपीट कर दूँ कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, रूट में बिना रूट के, ये सब रैशनल इरैशनल की कैटेगरी में आता है। मैं आपको रिमाइंड करा दूँ ये वाले फार्मूलाज थे, राइट। इफ़ यू कैन सी दीज वर द फार्मूलाज, सिक्स नाइन फार्मूलाज, राइट। ये फार्मूलाज मैंने आपको पोस्ट भी किया है, तो ये फार्मूलाज रैशनल इरैशनल्स का है, रैशनल जिसमें रूट नहीं हो और इरैशनल जिसमें रूट हो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रैशनल इरैशनल, राइट। द थ्योरी इज रैशनल इरैशनल। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बोलेगा सॉल्व। अब चूंकि रूट नहीं है तो ये रैशनल है, और स्क्वायर का टर्म नीचे है, यही इसकी पहचान है कि ये रैशनल है। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर विद इन अ ब्रैकेट, अलग अलग कर दो तो डी एक्स आ गया माइनस फाइव डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस पे फॉर्मूला है, देखो ये टर्म किस फॉर्म में आ गया, ये वाला फॉर्मूला आपको दिया होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो ये उसी फॉर्म में है, तो इस पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये एक्स हो गया माइनस फाइव वन बाई ए, ए है टू, ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, आंसर आ गया, राइट। यानी कि इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस होंगे हम लोग इन फॉर्मूलाज पे, ऐसे जो मैंने नौ फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, आपको गिवन इंटीग्रेंट को उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, राइट। जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब इसको उस फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो प्रॉपरली या मैनुपुलेट करो। डिवीजन आप लोग के लिए आसान होगा, स्ट्रेट अवे यू कैन डिवाइड लाइक दिस। चलो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स के पावर में फोर प्लस एक्स स्क्वायर आया, साइन चेंज किया कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, साइन चेंज किया टू आया रिमाइंडर। अब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिख दिया मैंने इसको ऐसे, राइट। नॉर्मल डिवीजन बहुत आसान होगा आपके लिए, हम लोग तो मैनुपुलेट करके भी ले आएंगे ये चीज़। अब देखो ये सब ये फॉर्मूला के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन x और टू बाहर निकालोगे वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला में आ गया tan इनवर्स x प्लस सी, समझ गए। नेक्स्ट, तो इस एक्सरसाइज में बस वो फॉर्म्स जो नौ मैंने दिए हैं उन्हीं में आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, डी एक्स बाई रूट अंडर 25 एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस फोर, मैं बोलूँगा सॉल्व। तो आप क्या करोगे, हम लोग को ये वाला फार्मूला दिख रहा है मुझे, पहले वेरिएबल का स्क्वायर है और फिर माइनस है, तो ये वाला फार्मूला याद आएगा मुझे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था लॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला था मॉड ए प्लस सी। तो हम लोग को इस फॉर्म को, इस इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने का मतलब एक्स स्क्वायर के आगे वन होना चाहिए, यहाँ 25 है, तो हम लोग 25 बाहर निकाल लेंगे रूट के। जब रूट के बाहर 25 निकाल लिए आप, तो बचेगा क्या,
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दोनों 25 से डिवाइड हो जाएगा और इसको 2/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। देख लो ये इस फॉर्म में है तो बिल्कुल है, तो फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं फॉर्मूला में आ गया, लगा देंगे फॉर्मूला लॉन मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 का स्क्वायर यानी कि 4/25 प्लस सी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था रैशनल इरैशनल इरैशनल का फॉर्म्स, मतलब उस फॉर्म में हम लोग को लाके फॉर्मूला लगाना है। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही काम है आपका, राइट। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट टाइप, इस तरह के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें dx के नीचे में क्वाड्रेटिक होगा बिना रूट के, या और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा या और ऊपर क्वाड्रेटिक होगा। तो ऊपर क्वाड्रेटिक का कोई मतलब ही नहीं है, आप सिंपली इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये दो टाइप हम लोग को सीखना है। ऐसे फॉर्म जब भी किसी इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो बिना रूट के या रूट के साथ, तो इसको डील कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, डी एक्स बाई रूट के अंदर ले लेता हूँ 4 - 3x - 2x2, राइट। मैंने सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लिया इस टाइप में। अब आप क्या करोगे इसमें, राइट। सबसे पहले पहला स्टेप होगा वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यू हैव टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो मैं रूट के अंदर में -2 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि रूट के अंदर इसीलिए क्योंकि रूट के बाहर माइनस आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, सबको -2 से डिवाइड कर दिया गया और ये -2, राइट। ये फॉर्म आ गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और रूल्स आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3/4 द होल स्क्वायर -9/16 -2, दिख रहा है आपको, राइट। तो ये क्या आया dx बाई, अब मैं रूट टू बाहर निकाल लूंगा, खाली रूट टू, माइनस नहीं निकाल सकता, माइनस ये हो जाएगा x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर और 9/16 -2 में अगर सिंप्लीफाई करें तो -41/16 ये आ गया, राइट। आप क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा +41/16 को लिख सकते हैं √41/4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये किस फॉर्म में आ गया, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने दिया था dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस फॉर्म में है ये, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ, राइट। तो चलो लगा देते हैं फॉर्मूला, 1/√2 साइन इनवर्स ए, ए क्या है सॉरी एक्स क्या है, एक्स प्लस 3/4, एक्स प्लस 3/4 एक्स की जगह पे है बाई ए, ए है √41/4, ठीक है, प्लस सी आंसर आ गया। अब आप एलसीएम ले लेना, 4 कट जाएगा ऊपर नीचे, वो आप काम कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, राइट। अगर ये रूट नहीं होता तो मैं रूट हटा दूंगा यहाँ से, यहाँ से रूट हट जाएगा बस। अगर रूट हट जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला कौन से फॉर्म में आएगा, ये आएगा dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सोचो इसमें रूट नहीं है तो बस रूट हटा दोगे लास्ट में, तो लास्ट में रूट हटा दोगे तो ये फॉर्म आएगा। ये रूट के अंदर आ रहा था, ये रूट के बाहर बिना रूट के आएगा। तो इसका फॉर्मूला अपना है 1/2a ln mod a + x /
ए माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, राइट right? एक्स की जगह में डाल दोगे एक्स प्लस थ्री बाई फोर और ए की जगह में रूट 41/4 डाल दोगे तो ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा, राइट right? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं, एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, राइट। इसको बहुत तरीके से बना सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेकर भी बना सकते हो, मैं उसके बगैर बनाऊंगा। रूट को अलग अलग लिख सकते हो बाई रूट 1 माइनस एक्स, राइट। तुम क्या करोगे, रूट 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर से रूट हट गया और नीचे आ गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब आप ब्रैकेट खोल दो ऊपर, तो ऊपर आया x प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर दो आप, सेपरेट कर दो, तो फर्स्ट टर्म आएगा x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म आएगा एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको, नीचे इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ जाएगा, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लेना, तो ये बन जाएगा, राइट right? देखो माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस टी डी टी ऊपर आया और नीचे आ जाएगा रूट ओवर टी स्क्वायर, रूट ओवर टी स्क्वायर मतलब टी कट गया, ठीक है, ये तो बन जाएगा ऐसी। और इस पार्ट में फिर आपको मैनुपुलेट करना पड़ेगा या डिवीजन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, रूट के अंदर जो है उससे डिवाइड करोगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, साइन चेंज सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर आया, साइन चेंज कर दिया आपने, कट गया, ये वन आया, तो आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, राइट। अब आपने इसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया माइनस वन इंटू दिस प्लस रिमाइंडर लिख दिया, अब आप इसको अलग अलग कर दोगे, तो अलग अलग करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस दिस बाय दिस करोगे तो ये रूट ऊपर आ जाएगा और वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। इसका अपना फॉर्मूला है, मैंने दिया हुआ है, इसका अपना फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स है ये, इसका अपना फॉर्मूला है और ये तो सॉल्व हो गया, ये तो माइनस टी आ जाएगा, माइनस टी, टी का मतलब रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट राइट, ये माइनस सबका फॉर्मूला लगा दोगे सॉल्व हो जाएगा। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा लेके भी बना सकते हो, बन जाएगा, राइट। तो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, हम लोग एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा लेके बना सकते हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये लूँगा तो जल्दी बनेगा, ये भी सही है, ये भी अपनी जगह, इट इज़ नॉट बैड, ठीक है। तो ये टाइप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद गाइस, इसके बाद आता है इंटीग्रल रिड्यूसिबल टू द फॉर्म जो मैंने अभी बताया है, इंटीग्रल रिड्यूसिबल टू द फॉर्म डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या डी एक्स बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या
रूट ओवर, ये रूट ऊपर भी हो सकता है, मैं पीछे लिखना भूल गया था, ये भी फॉर्म एक ही है, टाइप एक ही है, बनाने का मेथड एक ही है। तो कोई भी इंटीग्रल को इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं जो क्वेश्चन इसके हिसाब से बने होते हैं, राइट। नॉट एवरी क्वेश्चन यू कैन ब्रिंग इन दिस फॉर्म, जो इस फॉर्म में लाने के लायक हो तुमको दिख जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट, dx by x x within bracket 6 ln square x plus 7 ln x plus 2। मान लो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो log का टर्म है, इसमें तो कहीं log है नहीं, ये तो सिंपली क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? सबसे एक पहले एक सब्सटीट्यूशन लेना होगा, ln x को t ले लेंगे, तो आप देखो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन गया। अब ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पुट कर दो तो 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, और ये हो गया 6 टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में नहीं आ गया? तो इसको जो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करो, जो सिखाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, कॉमन निकाल लो, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो डी टी बाई 6 बाहर निकाल लिया डिनोमिनेटर से मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7 बाई 6 टी प्लस 1 बाई 3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, आपने बहुत बार बनाया इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो डी टी बाई ये हो जाएगा टी टी प्लस 7 बाई 12 का होल स्क्वायर माइनस 49 बाई 144 प्लस 1 बाई 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप तो x स्क्वायर फॉर्मूला में आ जाएगा वो, राइट। डी टी बाई ये हो जाएगा t प्लस 7 बाई 12 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 3 4 8, ये माइनस 1 बाई 12 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सिंप्लीफाई करके देख लो तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसको फॉर्म में आ गया, सॉल्व कर लो। मतलब गोल क्या था, देखो इसके बाद तो तुम वही करोगे जो मैंने पीछे किया था, एक सब्सटीट्यूशन लगाया आपने तो ये पूरा इंटीग्रैंड रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में, डी एक्स डी टी बाई क्वाड्रेटिक, देखो इस फॉर्म में। तो वही मकसद है, ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे कि वो इस फॉर्म में होंगे नहीं, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और दिख जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको लॉन में, तो आप लॉन को कुछ मान लोगे तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा सिंपल टी में या किसी और वेरिएबल के टर्म्स में, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस सेक एक्स। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है कि ये इस फॉर्म में रिड्यूस होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, राइट। साइन एक्स प्लस सेक एक्स, इसको ये बहुत पिक्यूलर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करोगे, सेक एक्स को लिखोगे 1 बाई कॉस, सेक एक्स को लिखोगे 1 बाई कॉस, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ऊपर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 और ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स, राइट। अब क्या करोगे आप आफ्टर दिस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ठीक है, आपको सोचना होगा इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे। तो इसको हम लोग व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, इफ यू वॉन्ट टू थिंक यू कैन थिंक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, राइट। तो देखोगे मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 2 cos x, ये ब्रेन वर्क है, दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन, और
टू से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कर दो, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू, प्लस टू को वन प्लस वन करके हम लिखेंगे, रीजन है उसका, राइट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टू कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे ब्रेक कर देंगे हम लोग, राइट। और नीचे वाले टर्म्स को इसके भी नीचे अलग कर देंगे, इसके नीचे अलग कर देंगे, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज, हम लोग को पता है वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वन को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और टू साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे रहने दिया तो ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, और इसको भी यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब इस इंटीग्रल को अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, क्लियरली दिख रहा है ये सॉल्व हो जाएगा कैसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लोगे तो ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। और इस पार्ट में आप क्या करोगे, राइट, व्हाट विल यू डू इन दिस पार्ट, तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप बताइए कि इस पार्ट को हम कैसे डील करेंगे, हाउ विल यू डील विथ दिस पार्ट। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट, इस पार्ट को मैं यहां दिखाता हूं आपको, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स था, राइट। मैं इसको इस फॉर्म से हटा के वापस इस फॉर्म में लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू है ना, प्लस टू है, टू को मैं लिख सकता हूं माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री। अब देखो मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बाई, इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन निकाल के, या थ्री को पहले लिख दो, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यू ले लेना, टी उसको लिया तो इसको यू ले लेना, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी यू बाई थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फॉर्मूला में आ गया, क्वाड्रेटिक में आ गया, राइट। और यहां आपने इसको टी लिया तो ये क्या बन जाएगा, डी टी बाई, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस वन, वन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा दोगे, यहां इसका फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला पार्ट यहां पे है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, ओके। तो रिड्यूसिबल है, और भी इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, विच आई विल बी शोइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।